चैप्टर नंबर सेवन मैंने आपको चैप्टर नंबर सेवन एक्सप्लेन किया था और आपको बताया था कि हार्डवर्ड्स आपको की बुक में लिखने हैं आज हम ये चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े हैं तो फर्स्ट टॉपिक है राउंडेड रेक्टेंगल शेप यानी कि आपको राउंडेड रेक्टेंगल बनाना है तो आपको कैसे बनाना है उसके सारे स्टेप आपने पढ़े थे राउंडेड रेक्टेंगल यानी कि ऐसा उसका कॉर्नर राउंड होंगे ये वाले रेक्टेंगल बनाना है आपको तो कैसे बनाना है पहले राउंडेड रेक्टेंगल का शेप चूज करना है उसके बाद उसकी लाइन जिसे आपको थिकनेस रखनी है वैसी ओके उसके बाद आपको ये बनाना होगा फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था शेप यानी कि आपको कुछ कव बनाना है कव शेप का ये वाला सिंबल है ऐसे कव जैसी लाइन है ओके तो ये है शेप तो कव शेप आपको क्या करना पड़ेगा पहले कव शेप के ऊपर टिक मार्क करना यानी कि सिलेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और जिस तरफ आपको कव चाहिए उस तरफ आपको माउस से ड्रैग करके डबल क्लिक करनी है तो आपका कव मिल जाएगा तो ये हमने पढ़ा था कव शेप उसके बाद था पोलिगोन शेप पॉलीगॉन शेप का सिंबल कैसा है ये, ये पोलिगोन शेप का सिंबल है तो उसमें आपको क्या करना है पॉलीगॉन शेप के ऊपर आपको उसके टूल्स के ऊपर आपको टिक मार्क करना है और उसके बाद आपको जो कलर का शेप चाहिए फॉर एग्जाम्पल मुझे व्हाइट चाहिए ब्लैक चाहिए कोई भी आप कलर ले सकते हो रेड चाहिए ब्राउन येलो तो यहाँ पे रेड कलर पे क्लिक किया है उसके बाद वन बाय वन जैसे आपका शेप पॉलीगॉन चाहिए वैसे आप लाइन बनाते जाओ वो क्लोज फिगर आपको देता जाएगा और एंड में आपको डबल क्लिक करने के बाद पूरी क्लोज फिगर मिल जाएगी तो ऐसे क्लोज फिगर बनाने के लिए हम पॉलीगॉन का यूज करते हैं ओके एवरीवन। देन थर्ड नंबर का टॉपिक था हमारा सिलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ एन इमेज यानी कि कुछ इमेज को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करते हुए आपको कैसे करना है ये चीज मैंने सिखाई है तो आपको कुछ ड्राइंग बतानी है मतलब कि आपको कुछ सिलेक्ट करने के लिए कुछ चीज तो चाहिए फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को आधा हिस्सा मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी सिलेक्ट के ऑप्शन यहाँ पे है उसके ऊपर पहले क्लिक करूंगी उसके बाद ये वाला बॉक्स खुलेगा उसमें आपको लिखा है रेक्टेंगल सिलेक्शन क्या रेक्टेंगल सिलेक्शन तो रेक्टेंगल सिलेक्शन में आपको क्लिक करके उस हिस्से को सिलेक्ट करना है तो ऐसे डॉटेड लाइन आ जाएगी ब्लू कलर की तो उसका आधा हिस्सा हो गया सिलेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट क्या था टॉपिक ये जो सिलेक्ट किया हुआ एरिया है उसे मूव कैसे करेंगे तो उसे ड्रैग करके आपको अलग जगह पे माउस से सिलेक्ट किया हुआ एरिया अलग हो जाएगा और जहां पे छोड़ना है वहां पे यहां से लेकर देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ था पहले तो अब यहाँ आ गया कैसे आ गया तो माउस से उसने सेलेक्ट किया हुआ एरिया ड्रैग करके एक दूसरे से दूसरी जगह पे छोड़ दिया ओके एवरी वन और लास्ट हमने पढ़ा था टेक्स्ट टूल टेक्स्ट टूल यानी कि कुछ आपको पेंटिंग में लिखना है फॉर एग्जाम्पल अर्थ बनाते हुए मुझे लिखना है सेव अर्थ तो मैं किसका यूज करूंगी टेक्स्ट टूल उसमें उसका सिंबल है कैपिटल एल

हमें जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सारी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ये वाली जो बुक है उसमें ही फिल करनी है लेट स्टार्ट आवर एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है वन टच लर्न। उसमें ए टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको सही आंसर टिक करना है उसमें फर्स्ट क्या है पेंट इज अ ब्लैंक प्रोग्राम पेंट कैसा प्रोग्राम है प्लेइंग डांसिंग और ड्रॉइंग यस yes. पेंट का यूज हम ड्रॉइंग करने के लिए है करते हैं तो उसे हम ड्रॉइंग प्रोग्राम कहते हैं ओके पेंट इज अ ड्रॉइंग प्रोग्राम आपको सी के ऊपर टिक मार्क करना पड़ेगा अब है हमारा सेकेंड एमसीक्यू ब्लैंक कमांड इज यूज टू सिलेक्ट अ ड्रॉइंग आपको कौन सी कमांड देनी पड़ेगी सिलेक्ट करने के लिए जो ड्रॉइंग की है आपने उसे कौ की सिलेक्ट की या पोलीगॉन की यस सिलेक्ट करनी है ड्रॉइंग कौ तो हमें सिलेक्ट ही देना पड़ेगा तो आंसर आएगा बी फर्स्ट में सी ड्रॉइंग और सेकेंड में बी सिलेक्ट ओके इतना हो गया अब हम पहुंचे हैं बी क्वेश्चन नंबर बी मैच द फॉलोइंग उसमें आपको मैचिंग करना है क्या करना है मैचिंग करनी है कैसे करोगे मैचिंग देखो यहाँ पे ए ये वाली one, two, three, यहां पे ए वाली कॉलम है वन टू थ्री फोर यहाँ पे डी वाली कॉलम है तो पहले है टेक्स्ट टूल तो टेक्स्ट टूल का क्या है सिंबल मैंने अभी बताया था ए फॉर एप्पल कैपिटल और बॉक्स में तो ए के साथ सॉरी तो वन के साथ सी आपको वन और सी को ज्वाइन करना है अब है सेकेंड कऊ शेप कऊ कैसे बनता है ये कौ वाला है शेप आपको दिखाई दे रहा है सेकेंड को आपको चूज करके लिखना है डी में कौ के साथ डी अब सिलेक्ट अभी मैंने बताया सिलेक्ट यानी डॉटेड लाइन आएगी तो ये है डॉटेड लाइन तो थर्ड को डी करना है सिलेक्ट करना है बी के साथ थर्ड बी और लास्ट बचा वो पॉलीगॉन शेप जो ए फोर के साथ ए अगेन आई रिपीट टेक्स्ट टूल को करना है आपको कैपिटल ए यानी कि सी के साथ ए के साथ सी दूसरा है उसमें है शेप तो कऊ को आपको ज्वाइन करना है डी के साथ सेकेंड डी थर्ड है सिलेक्ट बी, बी के साथ और लास्ट बचा ए फोर को ए के साथ ओके अब है आपका क्वेश्चन नंबर सी राइट टी फोर ट्रू एंड एफ फोर फॉल्स फोर यानी कि जो सेंटेंस सही वहां पे ट्रू उसका टी और गलत है वहां पे फॉल्स उसका एफ लिखना है ओके ट्रू फॉल्स लिखोगे तो भी चलेगा और टी एफ लिखोगे तो भी चलेगा अब फर्स्ट वन क्या है पेंट प्रोग्राम इज यूज टू तो प्ले ऑन कंप्यूटर आपको पेंट प्रोग्राम का यूज जब कंप्यूटर पे गेम्स खेलनी है तब करते हो नो no. हमें पेंटिंग या ड्राइंग करनी है तब करते हैं राइट तो फर्स्ट वाली सेंटेंस गलत हुई ओके okay, तो वो फॉल्स यानी कि एफ आप कुछ भी लिख सकते हो या तो एफ और या तो फॉल्स ओके okay? अब इज़ टू ड्रॉ स्ट्रेट फोल्स शेप का यूज आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए करते हैं नो कव शेप ड्रॉ करने के लिए करते हैं ओके okay? तो सेकेंड में आंसर आएगा एफ बिकॉज ये गलत सेंटेंस है तो उसमें भी एफ फोल्स अब थर्ड नंबर टेक्स्ट टूल इज यूज टू टाइप टेक्स्ट इन द ड्रॉइंग एरिया हाँ टेक्स्ट टूल का यूज हम कहां पे करते हैं टेक्स्ट करने के लिए ड्रॉइंग एरिया में कुछ लिखने के लिए राइट तो ये सेंटेंस सही है तो वहां पे आपको करना पड़ेगा टी ट्रू ओके बट आप जब आपकी स्टडी नोट में से लिख रहे हो ना तो उसमें है ना गलती से एफ कर दिया है तो वहां पे आपको क्रॉस करके टी करना है थर्ड नंबर की जो एक्सरसाइज सी है उसमें थर्ड नंबर की टेक्स्ट टेक्स्ट टूल इज़ टू टाइप इन द ड्राइंग एरिया। ये सही आंसर है, मगर आपके टेक्स्ट बुक में गलती से एफ हो गया है तो आपको वहां पे वो इरेस करके टी कर देना है ओके एवरीवन, वन और आंसर में भी आपको टी लिखना है ये समझ में आ गया अब हम पहुंचे लास्ट वन में

Erase करके वहां पे टी करना है और आंसर भी टी लिखना है और लास्ट वन में एफ फुल्स इतना समझ में आ गया ये एक्सरसाइज आपको ए बी और सी इसमें ही फिल करनी है टेक्स्ट बुक में ओके अब हम पहुंचे लेट्स डू इट अपने बाजू वाले पेज में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं राइट right? तो उसमें क्वेश्चन वन है व्हाट इज अ पेंट प्रोग्राम यूज फॉर ब्लैंक पेंट प्रोग्राम का यूज हम कब करते हैं तो उसका आंसर आपको स्टडी नोट में दिया है फिर भी मैं आपको बता दू उसका अगेन आई रिपीट पेंट इज अ प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू ड्रो एंड पेंट ऑन द कंप्यूटर ओके okay? कंप्यूटर का यूज हम कुछ ड्राइंग और पेंटिंग करने के लिए कंप्यूटर पे करते हैं ओके okay? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अब सेकंड क्वेश्चन क्या है शेप इज टू एंड राउंडेड आपको राउंडेड कोनर के साथ रेक्टेंगल और स्क्वेयर बनाना है तो कौन से, से यूज करोगे आप यस राउंडेड रेक्टेंगल हम राउंडेड रेक्टेंगल का यूज करेंगे की book में करने हैं। और हार्ड वर्ड तो आपने ऑलरेडी कर ही लिए हैं ओके okay? तो ये दो चीज ही सिक्स नंबर की बुक में करनी है बाकी सारी एक्सरसाइज आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में फिल करनी है। अब ये है क्रेक द कोड क्रेक द कोड में आपको क्या फील करना है सुनिए पिक द पेंट टूल्स एंड शेप्स यूज टू ड्रॉ द फॉलोइंग पिक्चर्स आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए ये जो है वो ड्रॉ करने के लिए तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पहला क्या है फाइव पॉइंट स्टार फाइव पॉइंट वाला स्टार है देखो वन टू थ्री फोर और फाइव यस, yes, पॉइंट वाला स्टार चाहिए आपको तो आपको उसके ऊपर टिक मार्क करना होगा फिर है राउंडेड रेक्टेंगल राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए ये yes, ये क्या है ब्लू राउंडेड रेक्टेंगल है तो उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है फिर है कऊ कऊ तो इसमें कहीं भी नहीं चाहिए तो कौ के ऊपर टिक मार्क नहीं करना है फील विथ द कलर फील विथ द कलर यानी कि देखो ये ग्रीन स्टार हुआ है तो कलर किया है तो उसको आपको कलर फिल करने के लिए फिल विथ कलर चाहिए तो उसके ऊपर टिक मार्क करना है फिर रेक्टेंगल सिंपल वाला रेक्टेंगल ये रेड दिख रहा है रेक्टेंगल तो ये सिंपल वाला रेक्टेंगल है तो आपको उसके ऊपर टिक मार्क करना पड़ेगा और फिर है टेक्स्ट देखो यहाँ पे हेलो लिखा है हेलो तो हेलो लिखने के लिए टेक्स्ट तो चाहिए तो टेक्स्ट के ऊपर आपको टिक मार्क करना है पेंसिल नहीं चाहिए पॉलीगॉन नहीं चाहिए आपको क्या चाहिए five stars five point star rounded rectangle fill with color rectangle और text ये इसमें आपको इन इन चीजों पे टिक मार्क करना है फिर यहाँ पे माउंटेन एंड सन बनाए हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज चाहिए उसके ऊपर क्लिक करना फाइव पॉइंट स्टार चाहिए नो no. इसमें स्टार कहीं नहीं है इसलिए नहीं चाहिए राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए कहीं राउंडेड रेक्टेंगल का कुछ यूज करके ड्रॉ किया है नो no. नहीं चाहिए कौ चाहिए उ yes, चाहिए देखो यहाँ से यहाँ उसने कौ लिया है तो कऊ चाहिए तो आपको फील करना है टिक मार्क करना है कऊ के बॉक्स के ऊपर ओके फिर है फील विथ कलर फिर उसने कलर किया है यस yes, कलर किया है तो आपको फील विथ कलर पे भी टिक मार्क करना पड़ेगा फिर है रेक्टेंगल रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी नो no, रेक्टेंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर टेक्स्ट कुछ लिखा है नो no, तो उसके भी आपको ऊपर नहीं करना है टिक मार्क देन पेंसिल यस पेंसिल की जरूरत पड़ेगी ये सारे माउंटेन ड्रॉ करने के लिए पेंसिल की जरूरत होंगी और क्लोज फिगर बनाने के लिए पोलिगोन की जरूरत होगी तो आपको किसके ऊपर टिक मार्क करनी है काउ फिल विथ कलर पेंसिल एंड पोलीगॉन इतनी चीजों के ऊपर आपको टिक मार्क करनी है इतना समझ में आ गया आपको ए बी सी और यहाँ पे क्रेड द कोड वो सारी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में और ये दोनों क्वेश्चन आंसर आपको वन टाइम सिक्स नंबर की बुक में लिखने हैं ओके एवरीवन? इतना समझ में आ गया होमवर्क में आपको यही करना है ये दोनों क्वेश्चन आंसर सिक्स नंबर की बुक में वन टाइम लिखने हैं और क्वेश्चन वन टच लर्न के ए बी सी और क्रेक द कोड का फर्स्ट क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में फिल करना है ओके एवरीवन क्लियर ये आपका होमवर्क है और होमवर्क हो जाना चाहिए तो जल्दी ही मिलेंगे बाय बाय टेक केयर सी यू सून